ऑल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। रायबरेली में बरशावा के गांधी इंटर कॉलेज बूथ के सामने राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगे। राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगे। भाजपाइयों ने जमकर जय श्री राम के भी नारे लगाए। चरुआ मंदिर के बाद इसी बूथ का निरीक्षण करने पहुंचे थे राहुल गांधी। ललितपुर के मेहरौनी तहसील में ग्रामीणों ने किया चुनाव बहिष्कार। 480 की वोटिंग के गांव के ग्रामीणों ने किया लोकसभा चुनाव मतदान का बहिष्कार। मेहरौनी तहसील के बीरवारा परसे गांव पंचायत के परसे ग्रामीणों ने बहिष्कार किया। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से एक भी ग्राम परसे का मतदाता मतदान करने नहीं गया। नाम है गोविंद सिंह। क्या समस्या है आपकी? हमारी यह समस्या है कि आज वोट खिलाने तो सब नेता आ गए, सब पार्टी आ गई कि वोट डालो। अच्छा, लेकिन यहाँ पर न कोई पोलिंग बूथ है और इतने से 3 किलोमीटर है बड़गना। अच्छा, वहाँ निंग के जाने आओ टूट नहीं है, लाइट या ना रोड या ना कुछ कोई व्यवस्था। देश के जाने माने मिमिक्री आर्टिस्ट जय विजय सच्चान ने मतदान किया। घर पहुंचे सबसे पहले मतदान, फिर जलपान करते नजर आए जय विजय सच्चान। मतदान कर लोगों से की ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील। मैं सभी से अपील करना चाहूंगा, जितने भी दर्शक हैं आपके देख रहे हैं कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए और मतदान जरूर करिए, अपना वोट कास्ट जरूर करिए। ये बहुत जरूरी चीज है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लोग गर्मी का माहौल है और थोड़ा लू के थपेड़े भी चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप 5 मिनट का मौका है, आप जो वक्त निकाल सकते हैं और जाइए इस वक्त में, अपना भागीदार बनिए, अपने प्रतिनिधि को चुनिए, अपने देश को, हमारा मजबूत देश है जो और मजबूत बने उसके लिए आपको मतदान करना बहुत आवश्यक है। तो प्लीज कृपया जाइए और मतदान करिए। झांसी में एजीजी कानपुर जोन आलोक सिंह ने मतदान केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि झांसी, ललितपुर, जालौन और कानपुर देहात के सभी केंद्रों पर सुरक्षा के साथ मतदान चल रहा है। एक दो जगह ईवीएम खराब होने की शिकायत मिली थी जिसको कुछ ही समय में बदलवा दिया गया। इसके अलावा सभी जगहों पर शांति के साथ मतदान हो रहा है और सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। कार्य इसलिए कर रहे हैं कि जब बारिश का समय आता है तो हमारे जो औरतों के बच्चे होते हैं वो भी मर जाते हैं, ना बच्चे अस्पताल तक पहुंचते हैं, और उन बच्चों की समस्या के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। पिछले साल 6 मौतें हुई थी यहाँ, 6 मौतें हुई, और जो बच्चे हैं जो पढ़ने जाते हैं दूसरे गांव में वो भी नहीं पहुंच पाते। कितने साल से समस्या है ये? 10 साल से समस्या है। SDM साहब आते हैं जी अब हो जाएगा काम, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता। कल DP इसलिए रखी गई कि इनके अधिकारी बैठने हैं वहाँ, हवा लगेगी, पानी चाहिए, लेकिन अभी ये रख दी गई कल, इसके बाद ये शायद कल उखाड़ के ले जाए। ललितपुर नेहरू नगर भाग संख्या 475 में कुछ नौजवान अपना लोकसभा का पहला वोट डालने गए, लेकिन उनका वोट किसी और ने डाल दिया। आपको बता दें कि नौजवानों में नाराजगी देखने के लिए मिली, तब जाकर नौजवानों को आश्वासन दिया गया कि 5 बजे के बाद चैलेंज वोट डाला जाएगा। लेकिन सवाल यहां खड़ा होता है कि संवैधानिक पीठासीन अधिकारी पर वोट डलवाने वाले बाकी अधिकारियों ने बिना आधार कार्ड देके कैसे वोट डाल दिया, जबकि वोटर अपने हाथ में अपना आधार कार्ड और वोटिंग पर्चियाँ लिए हुए थे। क्या नाम है आपका? अरबाज खान। अरबाज जी, कहाँ पोलिंग थी आपकी? जय माँ सरस्वती जी, भाग संख्या 475। क्या हुआ? मैं वोट डालने गया तो उधर देखा तो मेरा वोट पहले से डला हुआ था, उन्होंने मुझे वोट नहीं डालने दिया। तो आपने सवाल किया उनसे? किया मैंने। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला डाल के चला गया, इधर कोई वोट थोड़ी ना, हम लोग ID देख रहे थे, वो ID लेके आया होगा इसलिए डल गया। जालौर में ईवीएम पर वोट डालते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन की रोक के बाद भी मोबाइल लेकर जा रहे लोग। मतदान केंद्र पर भाजपा प्रत्याशी भानुप्रताप वर्मा को वोट डालते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। रोडवेज बस चालक का आरोप कि रोडवेज बस के आगे गाड़ी लगाकर दबंगों ने घटना को अंजाम दिया। रोडवेज बस में बैठी सवारियों में चीख पुकार मच गई। रोडवेज बस में बैठी सवारियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मिसौली से बरेली सवारी भरकर जा रही थी बरेली डिपो की रोडवेज बस, चालक ने तहरीर देकर दबंगों पर की कार्रवाई की मांग। बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के दिसौलीगंज गाँव का ही पूरा मामला है। मेहरौनी खुर्द सोलर प्लांट में तैनात मैनेजर ने गांव के दबंग पर लगाया ऑफिस में घुसकर गाली गलौज कर मारपीट करने का आरोप। शराब के नशे में गाली गलौज करने का विरोध करने पर दिया घटना को अंजाम। मारपीट का वीडियो CCTV कैमरे में कैद हो गया है। प्लांट कार्यालय के बंद मुख्य दरवाजे पर जबरन छलांग लगाकर ऑफिस में घुसने का आरोप। पीड़ित मैनेजर ने सदर कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग उठाई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मेहरौनी खुर्द का ही पूरा मामला। भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री साध्वी रंजन ज्योति पर हमला। चुनाव आयोग से की शिकायत। सफाइयों पर बूथ कैप्चर कर भाजपाइयों को वोट न डालने का आरोप। साध्वी रंजन ज्योति ने कहा कि लहूरी सराय के प्रधान और BDC सदस्य के साथ बाहरी लोगों को बुलाकर हमला किया गया। 4 दिन पहले उन्हें घटना किए जाने की दी गई थी जानकारी। पुलिस फोर्स के आगे सपा समर्थक हुए पूरी तरह से मन भर। भाजपा की है सरकार, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर हुआ हमला। जहानाबाद विधानसभा के लहूरी सराय के सराय होली बूथ नंबर 139 का ही पूरा मामला। फिर मैंने डीएम को वीडियो भेजा, मैंने कहा यही स्थिति है,
और शायद मेरे सुरक्षा कर्मी नहीं होते तो मेरे पर कुछ भी हो सकता था, क्योंकि चार पाँच मेरे पास सुरक्षा कर्मी है, उनके कारण मुझे पूरी गाड़ी को घेर लिया, मुझे अंदर बैठा दिया, पत्थर फेंका, मोटे मोटे बांस लेकर पूरा गांव निकल के आ गया। मैं वहाँ से निकल भी नहीं सकती थी कि मैं निकल जाऊँ यहाँ से, क्योंकि निकलती तो कोठी को अंदर बैठाना पड़ जाए, गाड़ी चलानी पड़ती थी, मैं क्योंकि वहीं रुक गई। मैंने कहा जब तक थाना अध्यक्ष बाहर का फोर्स नहीं आ जाएगा मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि अब झांसी में वोटिंग को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि हमले में जबरन कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिसका उनके द्वारा विरोध किया गया, तो दूसरे पक्ष के चार से पांच लोगों ने हमला बोल दिया। पीड़ित का आरोप है कि मारपीट करने वालों के हाथों में डंडा, हॉकी, धारदार हथियार भी थे। हालांकि पुलिस ने पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहाँ उसका इलाज चल रहा है। नई दबंगों ने पीड़ित के साथ महिला के साथ भी मारपीट की, महिला ने भी मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहाँ बैठी थी, पर्ची का इंतजार कर रही थी और बस जैसे ही मैंने देखा कि इनकी गाड़ी रोकी और मारा पीटी शुरू कर दी, तो मैं वहां गई बीच बचाव करने, तो मेरे को भी पकड़ के बाल पकड़ के एपेक्स मारा है, हाथ में भी बहुत चोट है जी, मेरे पीठ में भी बहुत चोट आई है। मतलब हम दोनों आदमी थे वहां पे और वहां छह सात लोग थे, तो हम लोग कुछ कर ही नहीं, बोर्डिंग पे लड़ाई हुई है। लोकसभा निर्वाचन के पांचवें चरण की वोटिंग हो रही है, इसी कड़ी में बलरामपुर जिले के उतरौला विधानसभा में वोटिंग की जा रही है। उतरौला विधानसभा गोंडा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ पर 249 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर 463 पोलिंग बूथों के माध्यम से 426,913 मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर रहे हैं। अगर 1 बजे तक गोंडा लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत की जाए तो वो कम है, इसी बाबत गोंडा और बलरामपुर जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी समेत तमाम आला अधिकारी लगातार मौके पर पहुंचकर मुआयना कर रहे हैं। आम लोगों से ज्यादा संख्या में पहुंचकर मतदान करने की अपील की जा रही है। शत प्रतिशत हर जगह पर जो है पोलिंग मतदान हो रहा है, साथ ही साथ हमारे सारे कार्मिकों के सुविधा के लिए हमने मेडिकल ऑफिसरों को हर जगह पे नियुक्त कर रखा है, शामियाना लगा रखा है, सुराही का पानी ताकि ठंडा पानी मिल सके, बढ़िया खाना मिल सके, ताकि एक अच्छे मनोभाव के साथ काम कर सकें और किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो तो पैनिक नहीं, इतना तंत्र विकसित कर रखा हुआ है कि तत्काल उस चीज़ का समाधान हो रहा है। दूसरा, आम जनमानस में अपने रायबरेली सदर विधायक के मैनूपुर में भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह का विरोध, वापस जाओ के लगे नारे, रोड नहीं तो वोट नहीं के भी नारे लगे हैं। दिनेश प्रताप ने ग्रामीणों से हाथ जोड़कर अनुरोध किया, कहा लोकतंत्र का अगर यही तरीका ठीक है तो आपकी मर्जी, मुझे जानकारी होती तो जरूर विकास होता। बर्षावा में दयानंद पीजी कॉलेज पर बने मॉडल बूथ का निरीक्षण करने पहुंची मंडला आयुक्त रोशन जैके, बूथ पर उपस्थित बीएलओ ने चुनाव प्रसार पर गंभीर आरोप लगाए, आरोप बूथ कर्मी पर बैठने पर पंखा न होने की भी शिकायत की। कासगंज में जिले में बिजली कटौती के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, सपा कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ पहुंचकर अधिशासी अभियंता के कार्यालय पर धरना दिया। बिजली कटौती से किसानों की सिंचाई न होने और अन्य समस्याओं को लेकर पहुंचे सपा कार्यकर्ता, विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता अजय कुमार सविता ने मांग की है। आपको बता दें कि सपा प्रवक्ता अब्दुल हाफिज गांधी ने कहा समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। जम अधिशासी अभियंता अजय कुमार सविता जी, जो ग्रामीण क्षेत्र के अधिशासी अभियंता हैं बिजली विभाग के, उनसे मिलने आए थे। पूरे कासगंज जिले में जो है बहुत ज़्यादा कटौती की जा रही है बिजली के अंदर, टू फेज की बिजली कभी कभी आती है, जिससे जो ट्यूबवेल हैं वो नहीं चल पा रहे हैं, फसलें सूख रही हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत आ रही है क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, ना इन्वर्टर काम कर रहे हैं, मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, जो जो परेशानी आ सकती हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में आ रही हैं। आज हम अधिशासी अभियंता अजय कुमार सविता जी से मिले थे और उनसे आग्रह किया है कि बिजली के अंदर कटौती नहीं हो। प्रतापगढ़ में कौशाम्बी लोकसभा चुनाव में कुंडा विधानसभा के विधायक और बाहुबली नेता राजू भैया ने बेती कुंडा पर जाकर अपना मतदान का इस्तेमाल किया। मतदान करने के बाद मीडिया से मुखातिब राजू भैया ने कहा, कौशाम्बी लोकसभा सीट पर वर्तमान सांसद विनोद सोनकर ने यहां की जनता की नाराजगी, जिसका प्रभाव इस चुनाव में पूर्णता देखने को मिल रहा है। राजू भैया ने इस दौरान कुंडा और बाबागंज विधानसभा में शांतिपूर्ण मतदान होने की बात कही। राजू भैया ने अनुप्रिया पटेल के राजा रजवाड़े के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वर्षों बीत गए, राजा रजवाड़े को समाप्त हुए, लेकिन आज भी लोगों के मन में राजघराने के प्रति कुंठा न जाने क्यों बनी हुई है, और अनुप्रिया पटेल का बयान पूरी तरीके से अनुचित है। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी, 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आजाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे, अनावश्यक बयान था ये।
उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के उतरौला विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा सामान्य निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत मतदान चल रहा है। उतरौला विधानसभा क्षेत्र गौंडा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पांचवें चरण की वोटिंग लगातार जारी है। हरिद्वार के रावली महमूद ब्रह्मपुरी में सुखबीर सिंह चौहान के आवास पर संकल्प सेवा संस्थान की ओर से मेट्रो अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम के सहयोग से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न प्रकार की जांचें और दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया गया। संकल्प सेवा संस्था के अध्यक्ष रंजिता झा और डॉक्टर आचल चौधरी ने बताया कि हमारा सदैव ये प्रयास रहता है कि समाज के वंचित और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की सहायता हो सके। इसी प्रयास में इस शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में निःशुल्क दवाओं का वितरण, आंखों की जाँच, नजर के चश्मे का वितरण, विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क की गई। जनता रहती है जो कि किराए पे मैक्सिमम रहते हैं, तो उनको क्या है आर्थिक कमी के कारण वो कंप्लीट अपनी जांच नहीं करा सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जितने भी यहाँ पे इस जांच के लिए ज़रूरत है अपनी बहनों को, बुजुर्गों को, वृद्धों को, तो उनको ये हमारी संस्था की ओर से ये माध्यम हमने दिया है कि अपनी मुफ्त जांच कराएं यहाँ पे। उत्तराखंड सरकार का चार धामों मंदिरों की परिधि में रील और वीडियोग्राफी करने को प्रतिबंध करने की तर्ज पर हरिद्वार के मंदिरों में भी इसे अपनाने की तैयारी चल रही है। मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्र पुरी ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए इसे एक अच्छी पहल बताया और बहुत जल्द मनसा देवी में भी इसे लागू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज के समय में ज्यादातर लोग मंदिरों में रील बनाने के भाव से जा रहे हैं, जो गलत है। उन्होंने बहुत जल्द इसे मनसा देवी मंदिर में भी लागू करेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार के संतों ने इसे सनातन धर्म के लिए एक अच्छा कदम बताया है। रुड़की क्षेत्र के लड़हरा नगर पंचायत को हैंड ओवर किए जाने के बाद भी सरकारी आवासों में 14 साल गुजर जाने के बाद भी सुविधाओं का टोटा देखने को मिल रहा है। वहीं इन आवासों में रहने वाले लोगों ने नगर पंचायत के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पंचायत की तरफ से पानी, बिजली और सफाई की कोई व्यवस्था होने के बावजूद पंचायत के कर्मचारी द्वारा उन्हें डरा धमकाकर किराया वसूला जा रहा है और उन्हें किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जा रही। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि जब से कॉलोनी का निर्माण हुआ है तब से यहां बना हुआ वाटर टैंक लीकेज हुआ है, उसकी आज तक कोई मरम्मत नहीं की गई है। क्रिया जो किराए लेने की है, जनवरी से ही हमारा जो कर्मचारी था वो ले रहा था और एक बकायादारों की सूची भी बनाई गई है उसमें। और रही बात उसकी कि जो सुविधाएं नहीं हैं उसमें, तो ये प्रकरण मेरे सामने अभी आया है क्योंकि मैं मार्च में आया हूँ, तो इस संबंध में मैं पूरी तरह से उसमें जाँच कर लेता हूँ कि कितने लोग वहाँ पर रह रहे हैं और क्या क्या सुविधाएं उस पर नहीं हैं। अभी तक मेरी कोई जानकारी में अभी है नहीं। जो लोग रह रहे हैं तो उनकी एक सूची तैयार की जाएगी और किस तरह से अलॉटमेंट किया है उसमें हुआ है तो उसकी एक जाँच बनती है उसमें ये है कि हम लोग एक सफाई अभियान वहाँ पे चला देंगे, उसके बाद नियमित रूप से हम लोग। कानपुर में तेज रफ्तार के कहर से इतना भयंकर और भीषण हादसा हुआ कि लोगों में दहशत हो गई। दरअसल 2 घंटे के अंदर 2 बड़े सड़क हादसे हुए। खासा जो चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाईवे पर 2 ट्रकों जो तेज रफ्तार में जा रहे थे, जिनकी आपस में भिड़ंत हो गई और दोनों ट्रकों में भयंकर आग लग गई। इस घटना में एक ट्रक चालक पूरी तरह से जलकर मौत उसकी हो गई, दूसरा ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल है। वहीं क्षेत्र लोगों के मुताबिक ये घटना सुबह 5 बजे की है। वहीं जानकारी मिलते ही एसीपी चक्री दिलीप सिंह और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचे, किसी तरह से आग पर काबू पाया और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं दूसरी घटना कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के 2 युवकों और 2 महिलाओं और 1 5 साल की बच्ची आर्टिका गाड़ी सवार होकर कानपुर इलाहाबाद की ओर जा रहे थे। जा रोड पर खड़े डीसीए में तेज रफ्तार कार जा घुसी और कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर और 5 साल की मासूम बुरी तरह से घायल है। दिनांक 20 मई 2024 को सुबह लगभग 7:30 बजे थाना महाराजपुर क्षेत्र में हाईवे के साइड में एक डीसीएम ट्रक के चालक ने डीसीएम को वहां पर पार्क कर दिया था, जिसमें पीछे से एक आर्टिका गाड़ी ने उसमें टक्कर मार दी, जिससे 2 महिलाएं और 1 पुरुष जो उसमें सवार थे उनकी मृत्यु हो गई। उसके चालक तथा 1 5 साल की बच्ची को वहां से सकुशल अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है, जहां पर उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टर एम एल गुप्ता और स्टाफ की लापरवाही से मासूम की जांच चली गई। परिजनों ने स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए, एक साथ 5 इंजेक्शन लगाने का आरोप लगा दिया। प्राइवेट अस्पताल के बाहर परिजनों का हंगामा, सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। थाना कोतवाली के आशा अस्पताल की पूरी घटना। धर्मस्थल में हुई युवती की हत्या के विरोध में परिजनों ने थाने पर हंगामा किया। जल्द खुलासे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। पूछताछ के लिए पकड़े गए युवक को छोड़ने पर किया प्रदर्शन, परिजनों का आरोप। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने की मारपीट। मस्जिद में हुई थी युवती की हत्या। थाना ताजगंज का पूरा मामला। भरभराकर गिरी कच्ची छत, छत गिरने से 6 लोग दबकर हुए घायल। परिवार संग सो रहे थे सभी लोग। सुबह 4 बजे की घटना। घायलों को एम्बुलेंस में सीएससी में भर्ती कराया गया। 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। थाना बरखेड़ा क्षेत्र के उमरिया गांव का ही पूरा मामला है।
बीते दिनों कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, जिसमें ऑपरेशन त्रिनेत्र चला कर कानपुर पुलिस ने सफलता हासिल की। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए डीसीपी वेस्ट विजय ढुल ने बताया कि डीसीपी वेस्ट का कहना है कि रावतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवती शाम के वक्त घर जा रही थी, तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने पीछे से आकर नशे की हालत में था उसने युवती को पीछे से पकड़ के साथ बस रुकी की और उसे नीचे जमीन पर गिरा दिया। युवती के शोर मचाने पर युवक भाग उठा। रावतपुर थाने की पुलिस को मामले की जानकारी होने के बाद सुसंगत धाराओं मुकदमा दर्ज कर लिया। प्रत्याशी रितेश पांडे के समर्थन में वोट की अपील की गई। ओम प्रकाश राजभर ने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा प्रत्याशी रितेश पांडे के समर्थन में वोट की अपील की। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आप रितेश पांडे को सांसद बनाइए, हम बिजली मुफ्त दिलाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर। स्कॉर्पियो के बोनेट पर बैठकर संत करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सक्रिय पुलिस ने स्कॉर्पियो का 15,500 रुपए का चालान किया। बिजनौर एसपी नीरज कुमार जादौ ने थाना नूरपुर का किया वार्षिक निरीक्षण। निरीक्षण के बाद नूरपुर कस्बे में भारी पुलिस बल में पैदल गश्त किया। पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर का है। कासगंज में अज्ञात कारणों से विद्युत ट्रांसफार्मर भीषण आग लग गई। ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। धूधू का जल रहा ट्रांसफार्मर। आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद विद्युत सप्लाई बाधित हो गई। सोरो कस्बे में स्थित चक्रतीर्थ मोहल्ले का ही पूरा मामला है। आईपीएल मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार। पकड़े गए व्यक्तियों के कब्जे से 46,000 की नकदी, मोबाइल, कार बरामद। भूख की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। पकड़े गए व्यक्तियों के अन्य गुर्गे की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। देखिए, देर रात की जगदीशपुरा पुलिस संदिग्ध वाहनों की चेकिंग वायु विहार रोड पे कर रही थी। वहाँ पे एक संदिग्ध गाड़ी जो नीले कलर की थी, रेनॉल्ट टाइगर थी, वो बार बार आ जा रही थी। उस गाड़ी पे संदेह हुआ तो उस गाड़ी को जब रुकवाया गया तो दो युवकों ने बहुत देर में दरवाज़ा खोला। जब उनसे मोबाइल बरामद किए गए तो उसमें सट्टे की खाड़ी बाड़ी कर रहे थे। जमा तलाशी पर उनसे 46,000 रुपये और मोबाइल में सट्टे के पूरे साक्ष्य मिले हैं उनसे। उन दो व्यक्तियों का नाम है, एक पहला योगेंद्र पचौरी और बाबा हैं, दूसरे इंद्रजीत हैं और सूर्य कुमार हैं। इन दोनों को गिरफ्त में ले लिया गया है और भी साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। इनके ऊपर 3/4 का मुकदमा कारित किया गया है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और जो भी लोग इसमें और भी संलिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।